मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम के कार्यक्रम स्थल गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों से कार्यक्रम की पूरी जानकारी ली और जो कार्य बचे हैं उसको जल्द पूरा करने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़कर पूरा निरीक्षण किया, जिसको पीएम मोदी शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीएम साहब एकदम चिपक गए हैं। सामने इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, कल उद्घाटन विशेष गाड़ी जो वंदे भारत ट्रेन जाएगी उसकी टाइमिंग है, यहाँ से डिपार्चर 3:30 होगा, यानी कि 15:30 पे यहाँ से डिपार्ट करेगी और इनॉग्रल रन है, तो इसलिए इसका स्टॉपेजेज जो शेड्यूल स्टॉपेजेज है उनसे अलग रखा गया है और यह ट्रेन अयोध्या होते हुए लखनऊ को जाएगी। जो इनॉग्रल रन है वो सहजनवा, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, अयोध्या, बाराबंकी होते हुए लखनऊ जंक्शन को जाएगी, जबकि जो शेड्यूल ट्रेन है वो सप्ताह में 6 दिन चलेगी शनिवार को छोड़कर, और इसका नंबर होगा 22549 जो गोरखपुर से चलेगी, और जो लखनऊ से गोरखपुर को आएगी उसका नंबर होगा 22550। यह ट्रेन सुबह गोरखपुर से 6:05 पर प्रस्थान करेगी, बस्ती 6:54 पर बस्ती से निकलेगी, 8:17 पर अयोध्या से और 10:20 पर लखनऊ पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से वापसी यात्रा में यह ट्रेन जो रेगुलर ट्रेन है लखनऊ से 19:15 पर निकलेगी, अयोध्या से 21:15 पर, बस्ती से 22:32 पर और गोरखपुर पहुंचेगी 23:25 पर। इस ट्रेन के चलने से जो गोरखपुर के लोग लखनऊ जाकर दिन भर अपना पूरा कार्य करके वापस गोरखपुर पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु हैं या जो अयोध्या से लखनऊ जाते हैं उनके लिए भी इसकी टाइमिंग बहुत सोच समझ के डिसाइड की गई है, वो टाइमली अयोध्या पहुंचेंगे और सिमिलरली अयोध्या से आगे की भी अपनी जर्नी टाइम से कर पाएंगे। इस रूट की अगर बात करें गोरखपुर वाया अयोध्या लखनऊ जाने वाली जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है उससे यह ट्रेन जो हमारी चला रहे हैं हम लोग 2 घंटे से भी ज्यादा का कम समय लेगी, मतलब 2 घंटे पहले पहुंचेगी। जो फास्टेस्ट ट्रेन अभी आज के डेट में गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ चलती है, अगर उसके तुलना में देखें तो ये ट्रेन काफी तेजी से पहुंचाएगी। इससे यात्री, श्रद्धालु, स्टूडेंट्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स और जो नौकरी पेशा के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। एक और आप लोगों का प्रश्न है कि इसका किराया क्या है। बिल्कुल, किराए की बात कर लेते हैं। इसमें मोस्टली इसमें जो है चेयर कार है और कुछ एग्जीक्यूटिव क्लास है, दोनों के लिए अलग अलग किराया है। चेयर कार के लिए बात करें और गोरखपुर से लखनऊ के लिए 765 रुपये किराया है, अगर एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करेंगे तो 1515 रुपये है। इसी प्रकार से अगर गोरखपुर से बस्ती की बात करें तो चेयर कार के लिए 420 रुपये, एग्जीक्यूटिव कार के लिए 805 रुपये। गोरखपुर से अयोध्या की बात करेंगे तो चेयर कार के लिए 540 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1060 रुपये। इसी प्रकार से इस पूरे रूट के अलग अलग स्टेशनों के मध्य में किराया भी निर्धारित कर दिया गया है। ट्रेन की फायरिंग बहुत जल्द हो जाएगी। रेगुलर ट्रेन जो हम लोग चलाएंगे वो 9 जुलाई से चलाएंगे और इसका लाभ यहाँ के क्षेत्र के जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनको मिलेगा। जो संभावित कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का वो 3:30 का है
और उनके आने के बाद इसका फ्लैग ऑफ करने की संभावना है।